हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं अंजलि गिरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर सीरीज के 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 की थीम क्या है? स्पेस एंड लाइफ, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेस एंड ह्यूमन या स्पेस एंड इन्वायरमेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेस एंड इन्वायरमेंट। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 की थीम स्पेस एंड इन्वायरमेंट है और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? शेष भारत ने, स्वराष्ट्र ने, दिल्ली ने या मुंबई ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेष भारत। शेष भारत ने ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? गीता रानी, अनु रानी, पूजा रानी या सविता रानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनु रानी। चीन में खेले जा रहे एशियन गेम्स 2023 में भारतीय एथलीट अनु रानी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया? रिक्की पोंटिंग को, सचिन तेंदुलकर को, महेंद्र सिंह धोनी को या युवराज सिंह को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया? असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या त्रिपुरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के 100 वर्षों से अधिक पुराने पारंपरिक शिल्प पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान बताया है? 6.3%, 7.3%, 6.9% या 6.6%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6.3%। विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.3 रहने का अनुमान बताया है, लास्ट ईयर भी इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा शुरू किया गया है? क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा या स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना। भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हर साल वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर या 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच। हर साल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है और पहली बार वन्य जीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजयपुर औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन परियोजना किन दो राज्यों के मध्य शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश राजस्थान या मध्य प्रदेश राजस्थान, हरियाणा मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन परियोजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिवसीय विश्व कप 2023 का पहला मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? चेपक स्टेडियम तमिलनाडु, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात, वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र या होलकर स्टेडियम मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में एक दिवसीय विश्व कप 2023 का पहला मैच खेला गया है और 5 अक्टूबर से वनडे विश्व कप 2023 का शुरुआत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? राष्ट्रीय गेहूं बोर्ड, राष्ट्रीय सोयाबीन बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड या राष्ट्रीय चीनी बोर्ड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नागालैंड के किस जीव की नई प्रजाति बदिस लीमा कुमी की खोज की गई है? मछली की, छिपकली की, मेढक की या सांप की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछली। मछली की एक नई प्रजाति की नागालैंड में खोज की गई है जिसका नाम है बदिस लीमा कुमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विकास पांडे को, सत्यम कुमार को, मुनीस कपूर को या निर्मला ज्योति को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुनीस कपूर। मुनीस कपूर को भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? राजस्थान सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। वन विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभाग की भर्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 से किसे प्रदान किया गया है? सीएस लक्ष्मी को, अमृता प्रीतम को, अरुंधति राय को या शोभा डे को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीएम लक्ष्मी। सीएम लक्ष्मी को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर माह में भारतीय रिजर्व बैंक जारी की गई मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट क्या है? 6%, 6.5%, 7% या 7.2%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.5%। अक्टूबर माह में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट 6.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? असम के, त्रिपुरा के, अरुणाचल प्रदेश के या नागालैंड के? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रही जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के संस्थापक कौन है? सैयद अली शाह गिलानी, शब्बीर शाह, सरदार नासिर अजीज खान या उमर फाकुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्बीर शाह। शब्बीर शाह जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के संस्थापक है। हाल ही में सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया है, जिसके कारण ये पार्टी काफी चर्चा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? रामा स्वामी नारायण को, दिनेश कुमार खारा को, विवेक बिंद्रा को या निशांत खरे को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामा स्वामी नारायण को जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद ने बाजरे के आटे से अन्य खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दरों को घटाकर कितना कर दिया है? 12%, 10%, 8% या 5%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5%। जीएसटी परिषद ने बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दरों को घटाकर 5% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को या 5 अक्टूबर को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया और भारतीय वायुसेना दिवस का थीम था एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का पहला तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तमिलनाडु, गुजरात, केरल या कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का पहला तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना को शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने, असम ने, केरल ने, राजस्थान ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना का शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना को शुरू किया है? श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने या कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? नई दिल्ली में, हरियाणा में, कर्नाटक में या केरल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल में 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? आंध्र प्रदेश में, गोवा में, केरल में या कर्नाटक में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में, ढाका में, ब्राजील में या बीजिंग में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट कुइपर को शुरू किया गया? टेस्ला के द्वारा, मेटा के द्वारा,
अमेजन के द्वारा या नासा के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अमेजॉन के द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट कुइपर को शुरू किया गया है। अमेजॉन द्वारा स्पेस इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, कुमार मंगलम बिरला या नीरज बजाज? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा माउंट ब्लॉक किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में या दक्षिण अमेरिका में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप। चर्चा में रहा माउंट ब्लॉक यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यह पश्चिमी यूरोप में स्थित है। पश्चिमी यूरोप के पर्वत माउंट ब्लॉक की ऊंचाई में कमी देखी गई है। 2000 के बाद उसकी ऊंचाई में 2.2 मीटर की गिरावट आई है। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।